क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? मैंने गार्डन बनाया, इसकी कॉपीराइट होने वाली है। क्या बात है? हाँ, डिक्लेयर हो गया 10-20 हमारा जहाँ जाएगा चलेगा। हाँ। इसकी हम कॉपीराइट कर लेंगे। अरे पर कितना भी कॉपी कर लो, ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहता है। तो किसी की कॉपी नहीं करते, अपनी कॉपी कर नहीं सकता यार। देखो, इंसान भले ताजमहल बना ले, उसको लाखों का खर्चा करे, पर बाजू वाला झोपड़ा कलर भी मारेंगे तो तकलीफ हो जाता है कि ताजमहल मैंने बनाई पर झोपड़ा क्यों बना रहा। अब वो भी एक टेंशन हो गया। और मेन अभी वायरमैन आने वाला है। हाँ। तो मैं सोच रहा कहाँ स्विच लगाऊं। हाँ। और ये झूमर काला अच्छा लगेगा क्या? अभी तुमने इतना बड़ा रॉयल कलर मारे, इतना खर्चा किए दुनिया का, अब ये काला कलर डिम लाइट लगाएंगे तो तुम बहुत ही डब दिखेंगे। मैं सोच रहा हूँ निकाल के ना काला झूमर लगाओ। वॉशिंग लाइट? हाँ। नहीं नहीं नहीं, तो रॉयल कलर का फायदा क्या हो गया? अभी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अब मैं दिख रहा भी गोरा। हाँ। तो वो भी बोल रहे कि कॉन्ट्रास्ट लगा रहा है, पाउडर लगा रहा। मैं पाउडर तो नहीं लगा रहा, बोल रहा मेरा ओरिजिनल कलर है। तो गोरा भी दिख रहा। हाँ। और फिर झूमर भी गोरा रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या करूँ, मेरी बात मानो, वायरमैन आएगा तो दो स्विच उधर लगा दो, एक स्विच तो पहले गार्डन के पास लगा दो क्योंकि हवा खाने तो तुमको चाहिए, और एक स्विच उधर लगा दो। और एक काम करना, और गाइस एक बात, तो मेरा यहाँ पहला पंखा था। हाँ, हाँ। पहले पंखा था, बारिश में खराब हो गया, बच्चे लोग मेरे खराब हो गए तो वो निकाल दिया। हाँ। तो यहाँ तो लगाना जरूरी है क्योंकि मेरे को हवा चाहिए, हवा हवा, क्योंकि अब दूसरों की बात सुनाई देती है तो वो चीज तो चाहिए मेरे पास। और रही बात झूमर वायरमैन को बोलना डिम लाइट नहीं लाने, ऐसा लगेगा इतना आलीशान खर्चा करके अंधेरा गुड़प करके बैठ के बार बार दरवाजा बंद करके, मतलब क्या है? इसलिए बोले अच्छा कलर की ना, तो पहले ही झूमर में तो चार कलर का म्यूजिक भी थी, पर अभी ये खराब हो गया। तो और पहला उजाले वाला था तो मैं उजाले वाला ही लगाऊंगा, अंधेरे वाला नहीं लगाऊंगा। तो इतना खर्चा करके रॉयल कलर का कोई मीनिंग तो होना चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैं ये बात बताओ कि चलो इसका कॉपी होगा, होगा 10-20 हजार जाएगा, पर लाखों का खर्चा तो 10-20 हजार तो भी नजर है, ऐसा बनाना है। क्या करेगा भाई, मुनी है ना, तो मुनी की कॉपी थोड़ा तो थोड़ा करना जरूरी है क्योंकि अभी क्या करेंगे, वो पहले से सब आया है तो थोड़ा तो मुनी का। हम तो कपड़ा देख के आए, ऐसा पहने तो मैं भी ऐसा, पर ये तो घर का ही करते आजकल सब चलता है भाई, घर का चलता है, कपड़ा चलता है, बाहर का चलता है, झूमर चलता है, पंखा चलता है, अभी अगले साल तक और क्या क्या ट्रेंडिंग में आएगा, ये कलर भी करते हैं। अरे वो सब छोड़ दो, जाने दो, पंखे वाला पंखा का स्विच लगा देगा, यहाँ पे कुंडा लगा देगा, टीवी का लगा देगा, सब जगह हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं। लोगों को ये टेंशन है कि मुनीर ब्लॉग भी बना रहा है, मुनीर सब कर रहा है, पर मुनीर ब्लॉग बनाने के टाइम लगाता क्या है, पाउडर या फेयर एंड लवली? तो गाइस मैं आपको मेरी खूबसूरती का राज बताता हूँ। हाँ। कि मैं गोरा कैसा गोरा। हाँ। तो मैं कोई अच्छी क्रीम लगाता हूँ तो आप काले हैं तो आप भी लगाओ। हाँ। क्रीम भी लगा सकते हैं, पाउडर भी लगा सकते हैं, पर मुनीर जो लगाएगा वो लगाओ, खोज करो कि क्या लगा रहा है। परेशान क्या है पता है, लोग बनाते हैं ठीक है, सपोर्ट करते पब्लिक ठीक है, गोरा भी होते जा रहा है, गोरा भी होते जा रहा है। अरे ये क्या बात, खुद के घरों में प्रोटीनों के डब्बे रखे हुए बॉडी बनाने के लिए, पर मुनीर के ऊपर नजर है कि वो क्रीम क्यों लगाता है, ये कौन सी? अरे हम लोग तो आप लोग की पूछते भी नहीं, थूकते भी नहीं, कुछ नहीं, क्या बोलूं, मेरे समझ में हम लोग है ना, दूर दूर तक, दूर दूर तक भी आप लोग का नहीं सोचते, पर हमारे बारे में क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, गोरा कैसा हो रहा है, काला कैसा हो रहा है, गार्डन कैसा बनाया, उम्र कैसा लगाया, कलर कैसा किया, अरे क्या है, जाओ ना अपना अपना काम करो ना रे, काम धंधा ही तो नहीं है ना, काम धंधा नहीं है, काम धंधा रहता तो सुबह से शाम इंसान जाग जाता, तो ये काम नहीं रहता, काम नहीं, सही बात, काम धंधा छोड़े। और दूसरा गोरा कैसा हो रहा है क्योंकि खुद को भी गोरा होना है, इसके लिए मेरे हर चीज पे नजर है, कालिया याद रखना। बाय रे बाय, कितना सवाल करती है, पहला तो तेरा माइक सीधा रख रे बाबा, फिर सवाल कर, मैं कितना जवाब देगा तेरे को। अरे तुम्हारे बारे में पूछना है, तुम इतना अच्छा रॉयल कलर मारे, सीलिंग किए, फिर गार्डन बनाया, हरा हरा गार्डन बनाया, अभी स्विच वगैरह भी लगाने वाले, फिर झूमर भी लगाओगे आप, पर अंधेरा वाला नहीं लगाना, नो 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 नो, ये सब करने क्योंकि अंधेरा वाला लगा के
अभी मैं भूरा हो रहा हूँ, फिर अंधेरा वाला लगा कि और मैं काला दिखूंगा, तो मुझे और भूरा वाला लगा। ओके डन। और ये सवाल पूछना है कि अगर आप ये रॉयल कलर मारे हो जो उठ के आ रहा है, जो सबकी नजरों में आ रहा है, ओके, तो आप दरवाजा खुला रखोगे बंद रखोगे? नहीं, थोड़ा दिन तो हमको बंद रखना है क्योंकि वो हैबिट है, हमारी हैबिट है, जरा समझो आपकी हैबिट है। उसके बाद हम खोल देगा, खोल के हम एकदम क्लियर रखेगा कि भाई देखो अगर हो सके तो आप भी कॉपी करो, हम कोई चीज छुपाएगा नहीं क्योंकि हम क्लियर आदमी है, हम कोई चीज छुपाता नहीं मीडिया से, और हम हमारे चैनल पे पूरा क्लियर बात बताते हैं, पूरा क्लियर बात दिखाएगा, हम भी हमारा पूरा घर भी क्लियर दिखाएगा। ओके, छुपाएगा नहीं ना, नो छुपाएगा, नो छुपाएगा, ये छुपा छुपी का चलेगा मैन, ऐसा कोई बात नहीं है, चलता है। हमारा देखिए कोई कॉपी करेगा नो प्रॉब्लम, जानने वाले कोई सोचता रहेगा ना, जाएगा तो जाएगा, बस भी से चल जाएगा, हम कॉपी कर लेते हैं। ओके ओके चलेगा मैन, कोई बात नहीं है, हमारा कॉपी करता है करने दो, हमारा नकल करता है करने दो, कोई बात नहीं, नाम तो हमारा ही आएगा ना गाइस, तो चलेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपके रॉयल पेंट के और गार्डन के बारे में बताया जो कॉपी हो सकता है बहुत जल्द या होने वाला है, पर आपका माशाल्लाह घर बहुत अच्छा है, शुक्रिया आपका वीडियो के लिए। भाई रे भाई, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, अगले टाइम इंटरव्यू देने आए तो माइक जरा सीधा लाना, और अभी इंटरव्यू तो हो गया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने तो दो इंटरव्यू लेने के बाद। अरे वो तो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा, जो हमारे नानी के वहां से आया इतना सारा बॉक्स भर के खाने को, वो अगले ब्लॉग में देखना। और ये बाय रे बाय डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाय बाय। और अगला ब्लॉग जरूर देखना क्योंकि फरजाना के गांव से बहुत सारा खाने को आया, उसका ब्लॉग जरूर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।